साल है 2024। सोचो, एक पुराना सिविलाइजेशन बिना निशान के गया। यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हजारों साल तक चला, फिर खामोशी। ना कोई बड़ा युद्ध, ना कोई जानी जानी आफत। वो बस गायब हो गए, लेकिन उनके शहर रह गए। सदियों की धरती के नीचे छिपे वो भूली हुई शां की कहानी सुनाते हैं। इंडस लोग बड़े निर्माण करने वाले, हुनरमंद कारीगर और चालक इंजीनियर थे। उनके शहर ग्रिडमैन बने हुए एडवांस्ड नल और सैनिटेशन सिस्टम से लैस थे। ये कोई आदि मनव के गांव नहीं थे, ये थे बड़े बड़े शहर जो आज के इंडिया और पाकिस्तान में फैले हुए एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पावरफुल सिविलाइजेशन था, लेकिन उनका क्या हुआ? जवाब, समय के साथ खो गया है, इन खरबों में दफन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज का कमाल 3300 से लेकर 1300 BCE तक चला। वो इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के समय के थे, लेकिन अलग। उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, एक रहस्या बनी हुई है। हम उनकी जिंदगी की झलकियां देखते हैं, टूटी हुई पॉटरी, इंट्रिकेट कार्विंग्स वेले सील्स और उनके शहरों के खरबों में। वो डोर डोर तक व्यापार करते थे, उनका प्रभाव इंडस वैली के बाहर तक था। नेचर के लिए उनका सम्मान उनकी कला और आर्टिफैक्ट्स में दिखता है। जानवर असली और काल्पनिक दोनों उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। क्या वो किसी देवी की पूजा करते थे? कुछ सबूत से पता चलता है कि उनका संबंध बाद के हिंदू देवताओं से हो सकता है। क्लूज हैं जोड़ने के लिए। इंडस स्क्रिप्ट रहस्यमय सिंबल्स के एक संग्रह आज भी विद्वानों को चकित करता है। क्या ये कोई भाषा है? ट्रेडमार्किंग्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, प्रारंभिक लेखन का एक रूप, हम अभी तक नहीं जानते। कुछ लोग मानते हैं कि इस लिपि में उनके बिलीफ्स, उनके सोसाइटी और उनके अचानक गायब होने का राज छुपा है। इस कोड को तोड़ने से हिस्ट्री बदल सकती है। सोचो, ये सिंबल्स क्या क्या कहानियां सुना सकते हैं। उनकी रोज की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनके डर। जब तक हम ये लिपि नहीं पाथ लेते, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रहस्य बना रहेगा, पास्ट की एक फुसफुसाहट। मोहनजोदड़ो और हरप्पा, उनके दो सबसे बड़े शहर अर्बन प्लानिंग के कमाल है। सीधी सटकीन, ग्रिड लेआउट और कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम्स इंजीनियरिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की गहरी समझ की तरफ इशारा करते हैं। पब्लिक बैथ्स, ग्रैनरीज और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समझ की ओर इशारा करते हैं। वो पनी के मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे। फर्टाइल बट अनप्रेडिक्टेबल इंडस रिवर वैली में ये एक महत्वपूर्ण स्किल थी। उनके शहर सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं थे, बल्कि कल्चर और इनोवेशन के भी केंद्र थे। इंडस लोग स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल थे, जो खूबसूरत पॉटरी, ज्वेलरी और इंट्रिकेट सील्स बनाते थे। वो दूर देशों के साथ व्यापार करते थे। उनका प्रभाव मेसोपोटामिया और उससे भी आगे तक था। इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का क्या कारण था? क्या यह क्लाइमेट चेंज था, आक्रमण, आपस की लड़ाई? जवाब अभी भी अज्ञात है, लेकिन आप जानते हैं, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन में उनके इनोवेशंस ने बाद के सिविलाइजेशंस को प्रभावित किया। कुछ स्कॉलर्स तो उनके बिलीफ्स की झलक बाद के इंडियन रिलीजन्स में देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ह्यूमन याद दिलाता है कि पास्ट के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है। नई खोजें हमारे पुराने विश्वासों को बदल सकती हैं और हमारी धारणाओं को चुनौती दे सकती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की रूइंस नॉलेज का खजाना है, जिसको खोजने का इंतजार है। वो एक खोए हुए वर्ल्ड की विंडो ऑफर करते हैं, हजारों साल पहले रहने वाले लोगों की जिंदगी की एक झलक। उनकी कहानी थो फ्रेगमेंटेड, मानव की रचनात्मकता और लचीलापन का प्रमाण है। ये एक याद दिलाता है कि सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी ही समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। उनकी अचीवमेंट्स और फेलियर से सीखकर हम खुद को और इस दुनिया में अपनी जगह को बेहतर समझ सकते हैं। आइए हम एक्सप्लोर करना, खुदाई करना, सीखना जारी रखें, क्योंकि भूली हुई सिटीज की धूल में हमारी साझा मानव कहानी के रहस्य छिपे हैं।